आइए और जानकारी लेते हैं इनकी क्या मांग है। आपका नाम? हमारा नाम अजय कुमार सिंह है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से है, बनारस के मोदी जी के क्षेत्र से, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से। हाँ, वहाँ से आए हैं, बनारस से। हम लोग यूपी से हैं। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और एनपीएस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि 1 अप्रैल 2005 के बाद हम शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया, जबकि एक दिन के सांसद विधायक को ये पेंशन का लाभ दिया जाता है। तो हमारी यही मांग है कि जिस तरह से अगर हम लोगों को एनपीएस दिया जा रहा है, उनको भी एनपीएस में बांधा जाए। एक देश एक जीएसटी एक टैक्स की बात माननीय मोदी जी माननीय मेरे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो एक तरह का देश हो, एक तरह का संविधान हो, एक तरह की पेंशन नीति लागू हो सभी के लिए। अजय प्रताप सिंह जी, आइए, आपको मालूम है कि अभी शिक्षा मित्रों ने भी धरना प्रदर्शन किया था, उन पर लाठियां चार्ज की गई, आज कुछ शिक्षा मित्र जेल में भी हैं वाराणसी के अंदर। ऐसा शिक्षा मित्रों का प्रकरण दूसरा था, उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म हुई है, न कि सरकारों का, उससे हम लोगों से नहीं मतलब है। पेंशन का मुद्दा दूसरा है, ये पुरानी पेंशन से आच्छादित सबको, सभी शिक्षक कर्मचारियों को किया जाए, प्रदेश और पूरे ऑल इंडिया पूरे देश को। उन शिक्षकों में, शिक्षा मित्र में और आप में क्या अंतर है? उन लोगों की नियुक्ति प्रदेश सरकारों द्वारा की गई थी मानदेय पर, बाद में उनको सरकार यूपी सरकार ने रेगुलराइजेशन किया था, कुछ नियमों के तहत नहीं करके भर्ती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उनको खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद में उनका प्रकरण उठा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बढ़ के न्यायपालिका से बढ़ के नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं ना, वो प्रकरण दूसरा था, हमारा प्रकरण दूसरा है। धन्यवाद।